हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें से टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ये 29वां वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं। ऑप्शन है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी अंग आते हैं यूरिनरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में। उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेडुला किस तंत्र का भाग है। यहां पे मेडुला जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा। अगर मेडुला दिया रहता, वहां पे तंत्रिका तंत्र दिया रहता तो वो सही होता, बट यहाँ पे कहने का इसका तात्पर्य कुछ और है। यानी कि जो किडनी का दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला, यानी बाहरी भाग और भीतरी भाग। नेक्स्ट है, गुर्दे यानी किडनी से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो गुर्दे यानी किडनी से संबंधित विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, किडनी में अनावश्यक तथा जहरीले पदार्थों को कौन छानता है। तो दोस्तों, जो किडनी में अनावश्यक और जहरीले पदार्थ होता है रक्त में, उसको कौन छानता है। तो उसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल छानता है। कौन छानता है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जैसा कि मैं चित्र द्वारा इसके बारे में डिटेल में बताई हूं, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, मानव के मूत्र में कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अमोनिया, ये सभी अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मूत्र में कितने परसेंट पानी होता है। तो मूत्र में 96% पानी होता है, ध्यान में रखिएगा। हमारे शरीर में कितना पानी होता है? 70%। मांसपेशियों में कितना होता है? 75%। और दोस्तों, लार में कितना होता है? 99%। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मूत्र में यूरिया तथा अन्य उपापचयात्मक पदार्थ कितना परसेंट पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें यूरिया 2%, अन्य उपापचयात्मक पदार्थ 2% पाया जाता है, ठीक है। और जल कितना पाया जाता है? 96%। नेक्स्ट है, मूत्र में उपापचयात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेफ्रॉन किस तंत्र का भाग है। ये नेफ्रॉन जो होता है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यह हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त को छानने के लिए कौन सी आर्टियोल्स रक्त को ग्लोमेरुलर कैप्सूल तक ले जाती है। तो कौन से आर्टियोल ले जाती है यानी धमनी दोस्तों, कौन सी धमनी ले जाती है? तो यह एफ्रियंट यानी कि अभिवाही धमनी जो है वह रक्त को कहां ले जाती है? ग्लोमेरुलस तक। और दोस्तों, रक्त को किडनी की तरफ यानी उसके जो प्यारे में आकृति होती है, गुच्छा होता है, जहां पे रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, वहां तक रक्त को ले जाती है एफ्रियंट यानी कि अभिवाही धमनी। और फिर वहां से शुद्ध होकर के समस्त शरीर की ओर कौन ले जाता है? तो अपवाही धमनी यानी कि इफ्रियंट, ये ध्यान में रखिएगा। तो अपवाही और अभिवाही दोनों धमनियों के जो घुमावदार गुच्छा होता है उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। वहीं पे आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त को छाना जाता है यानी बेकार पदार्थ उसको रक्त छान करके ग्लोमेरुलस द्वारा आपका नेफ्रॉन नलिका में चला जाता है, जिसके माध्यम से लास्ट में मूत्र शरीर के बाहर आ जाता है और रक्त जो है शुद्ध छान करके अपवाही धमनिका के रास्ते समस्त शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किडनी का क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, जो हमारे प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग किडनी होता है यानी गुर्दा।
नेक्स्ट है किडनी से लेकर ब्लेडर तक मूत्र लाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। तो किडनी से लेकर ब्लेडर यानी कि मूत्राशय, तो जो आपका पिचकने फूलने वाला थैली होता है वहां तक लाने वाली नलिका को हम कहते हैं यूरेटर्स यानी कि मूत्र नलिका है, यूरेटर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य रूप से कितना तापमान होता है। तो 98.6 फारेनहाइट होता है और डिग्री में 37 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपके उसी के सिमिलर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 97 से 99 डिग्री फारेनहाइट या 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है दोस्तों? यूरिया। क्या है? यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो दोस्तों यूरिया की सर्वाधिक मात्रा पृष्ठ महाधमनी यानी डोर्सल एरोटा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूत्र यानी यूरिन शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों? तो यह सब सिर्फ पहले कलेक्टिंग ट्यूब यानी संग्रह नलिका में इसका प्रयोग होता है, उसके बाद वह यूरेटर में आता है, यूरेटर के बाद यानी यूरेटर यानी मूत्र नली में आता है नलिका में, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर में आता है, उसके बाद यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि मधुमेह के रोगी को यानी डायबिटीज के रोगी को आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा रहा है, फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है, इसकी सर्वाधिक संभावना किस कारण हो सकती है? तो दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि वसाओं का जो विखंडन है वो ग्लूकोज में हो गया है। नेक्स्ट, मनुष्य में उपापचयी पदार्थ यानी मेटाबोलिक अगुआनिन तथा एडिनाइन किस रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो ये सभी उत्सर्जित होते हैं यूरिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों, हेनरे के लूप में क्या अवशोषित होता है? तो दोस्तों जो नेफ्रॉन नलिका होती है आगे चलकर वह यू के आकार की आकृति बना देती है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग अवरोही क्रम के होते हैं। तो ये हेनरे के लूप में क्या अवशोषित होता है? तो ज्यादातर जल अवशोषित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? यहाँ पे हम लोग देखे थे कि सबसे मूत्र की सबसे अधिक मात्रा यूरिया की सर्वाधिक मात्रा डॉर्सल एरोटा में यानी कि पृष्ठ महाधमनी में होता है, और यहाँ पे क्या पूछा है कि यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? तो फुफ्फुसीय शिरा में होती है यानी कि पल्मोनरी वेन में। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य के मूत्र में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप बने वर्ज्य पदार्थ होते हैं। तो प्रोटीन उपापचय वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप बने वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? तो यहाँ पे यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सोडियम तथा जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि जहां से प्यालेनुमा आकृति होती है ग्लोमेरुलस से, जो ही रक्त छन करके व्यर्थ पदार्थ को वहां से नेफ्रॉन में आ जाता है और शुद्ध रक्त चला जाता है अपवाही धमनिका के रास्ते शरीर में, तो वहीं पे आता है जो ही वहीं पे आपका जल का सर्वाधिक समीपस्थ कुंडली नलिका में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है? तो अमीनो अम्ल के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ पे? यकृत में। नेक्स्ट दोस्तों, यूरिया का परिवहन कौन करता है? तो यूरिया यूरिया का परिवहन जो है वह रुधिर प्लाज्मा करता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, फिर रुधिर प्लाज्मा के द्वारा वह आ जाता है किडनी में, फिर वहां पे छन करके आ जाता है मूत्र नलिका में यानी नेफ्रॉन में। नेक्स्ट दोस्तों, फालतू अमीनो अम्लों से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो जो भी हम प्रोटीन लेते हैं यानी अमीनो अम्ल लेते हैं वो आपका जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो चला गया, जो फालतू बचता है वो अमीनो अम्ल जो है अमोनिया बन जाता है, उस अमोनिया का फिर से आपका यूरिन यूरिया बन जाता है। ठीक है, फालतू अमीनो अम्ल में से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है यानी लीवर में। नेक्स्ट है, हेनरे का लूप कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है दोस्तों? ब्रिक का मेडुला भाग, जैसे जैसे कि ब्रिक का दो भाग होते हैं कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स भाग में आपका ग्लोमेरुलस क्षेत्र होता है जिसमें रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, और मेडुला भाग में नेफ्रॉन होता है यानी मूत्र नलिका होती है। नेक्स्ट दोस्तों, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है?
तो चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन, कैफीन के कारण बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, डाइयूरोसिस यानी मूत्रलता में क्या होता है? तो दोस्तों यह इसमें क्या होता है कि मूत्र की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन जो होता है, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, यह क्या काम करता है? यह कोशिकाओं में जो नेफ्रान नलिका होता है, वृक्क की नेफ्रान नलिका, नेफ्रान में या कोशिकाओं में जल के अवशोषण का काम करता है। यानी कि जब इसकी कमी हो जाती है तो मूत्रलता यानी डाइयूरेसिस हो जाता है। यानी कि जब कमी हो जाता है तो मूत्र की कम मात्रा में वो ऑब्जर्व कर पाता है, अवशोषण जल को कर पाता है। जब कम मात्रा में अवशोषण करेगा तो जल की मात्रा मूत्र में बढ़ जाएगी, यानी कि मूत्र भी बढ़ जाएगा, और मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिससे मूत्र पतला व रुधिर गाढ़ा बन जाता है। इससे रुधिर दाब कम हो जाता है। यही होता है आपका मूत्रलता। तो इसमें का आंसर सही हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है? तो जैसे कि मूत्र, जैसे कि दोस्तों एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की कमी से आपका मूत्रलता यानी डायूरेसिस होता है, उसी प्रकार इसकी एंटी डायबिटिक एडीएच हार्मोन के अधिकता से इंसिपिडिस, डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी अधिकता होने से अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करेगा, और जिसके कारण हमको ज्यादा प्यास लगेगा, और जिससे अधिक जल की आवश्यकता होगी। अब बार बार प्यास लगेगा तो बार बार हम पानी पियेंगे, बार बार पानी पियेंगे तो उसके साथ मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडिस किसके नियंत्रण में होता है? तो किसके नियंत्रण में होता है दोस्तों? एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन से। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के फर्स्ट पाली से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीन ग्रंथियां किसके उत्सर्जी अंग हैं? तो ग्रीन ग्रंथियां जो है वह झींगा मछली के उत्सर्जी अंग हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिक में पिरामिड्स का मुख्य कार्य होता है। तो ब्रिक में पिरामिड्स का मुख्य कार्य होता है, पिरामिड्स में संग्रह नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? संग्रह नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कि ग्लोमेरुलस किससे बनता है? तो जो ग्लोमेरुलस होता है वह वृक्कीय धमनियों से मिलकर बना होता है, अभिवाही और अपवाही धमनिका से मिलकर ग्लोमेरुलस बनता है, और ग्लोमेरुलस में रक्त का फिल्ट्रेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें 35 क्वेश्चन हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 35 क्वेश्चन आपके उत्सर्जन तंत्र के और रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और सही तरीके से तैयारी करते रहिए, सेल्फ स्टडी भी करिए करिए, और मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बने रहिए, क्योंकि मैं पूरे मेहनत से आपके लिए वीडियोज दे रही हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।